हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हमारा मेटल एंड नॉन मेटल पे लास्ट डे है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक किए थे हमने, ओर्स किए थे मेटल्स में, कौन कौन सा ओर किया था, एल्यूमिनियम का किया था, जिंक का किया था, आयरन का किया था, कॉपर का किया था, लेड का किया था, मर्करी का किया था एंड मैग्नीज का किया था। मैंने आपको बोला था, गुड इवनिंग जी, मैंने आपको बोला था कि ये जो 6 या 7 ओर है इनमें से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, मर्करी में से, कॉपर में से, एल्यूमिनियम में से और जिंक में से। इनमें से क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में आता है, या तो फॉर्मूला आएगा आपको, ठीक है, या तो उसका केमिकल नेम पूछा जाएगा, ठीक है। चलें आगे, ये आपने सारे कर लिए थे, प्रॉपर्टीज होगी थी मेटल की, नॉन मेटल स्टार्ट कर दिया था हमने, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, यूजेस पढ़ लिए थे। मैंने बोला था क्लोरीन का याद रखना, वाटर में जितने भी जर्म्स होते हैं उनको किल कौन करता है आपका, हाँ, क्लोरीन में मतलब वाटर में जितने भी जर्म्स वगैरह होते हैं उनको किल क्लोरीन करता है। और एक टिनेक्चर ऑफ आयोडीन होता है जिसको हम वीक आयोडीन सोल्यूशन बोलते हैं, जिसमें आयोडीन कितना होता है आपका, 5% होता है, ठीक है। फिर आगे चले थे हम, क्वेश्चन किए थे, आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, ये आपका लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है आप नॉन मेटल में, सबसे पहले आपको मेटल का पता चल गया, मेटल में कौन कौन थे, एल्यूमिनियम था, कॉपर था, आयरन था, ये सारे के सारे के थे आपके मेटल थे। अब आपके नॉन मेटल है, सबसे पहले बात करेंगे हाइड्रोजन की। जैसे हमने प्रॉपर्टीज की थी मेटल की, वैसे आज हम प्रॉपर्टीज करेंगे नॉन मेटल की। हाइड्रोजन आपका क्या है, हाइड्रोजन याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपकी हाइड्रोजन गैस है उसका कलर कैसा होता है, तो याद रखना हाइड्रोजन गैस आपकी हमेशा कलरलेस होती है, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, हाइड्रोजन गैस का कौन सा कलर होता है, तो हाइड्रोजन गैस आपकी कलरलेस गैस होती है, ठीक है। ऑर्डरलेस गैस होती है, कलरलेस गैस होती है। कैन बर्न इन एयर बट अ सर्टेन एयर हाइड्रोजन मिक्सर एक्सप्लोडेड। Uses कहाँ होता है, used in making products from oil, used as a fuel, ठीक है। Uses याद रखने हैं आपने। हीलियम का देखो, हीलियम गैस भी आपकी कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है। डेंसिटी जो है हीलियम गैस की वो कम होती है, क्यों होती है, क्योंकि हीलियम आपकी नोबल गैस होती है, नोबल गैस में जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है, सॉलिड की होती है, फिर आपकी लिक्विड की होती है, उसके बाद आपकी किसकी डेंसिटी होती है, गैस की होती है। और हीलियम आपकी कौन सी नोबल गैस है, तो हीलियम की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। लाइटर होती है, डज नॉट बर्न इन एयर, आपकी जो हीलियम गैस है वो एयर में आपकी जो है बर्न नहीं होती है, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चले आगे, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, कहाँ यूज होते हैं इसकी, पार्टी बैलून्स में, एयरशिप्स में यूज होता है, किसका यूज होता है, हीलियम गैस का यूज होता है। कभी बहुत बेसिक क्वेश्चन आ जाए तो सीधा पूछ लेते हैं, बैलून्स में आप कौन सी गैस फिल करते हो, तो उसमें कौन सी गैस फिल होती है आपकी, हीलियम गैस। नेक्स्ट आता है आपका कार्बन, इंपॉर्टेंट है, इसके एलोट्रोप भी इंपॉर्टेंट है। कार्बन के बारे में हम डिटेल में एक लेक्चर लगवाऊंगी मैं 1 घंटे का, उसमें कार्बन के एलोट्रोप की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में आता है, ठीक है। कार्बन के 2 मेन फॉर्मेट डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड आपका हार्ड होता है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल की तरह होता है। डायमंड कैसा होता है आपका, हार्ड होता है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल की तरह होता है और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, किसका, डायमंड का। डायमंड का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ग्रेफाइट आपका ग्रे होता है, शाइनी होता है, स्लिपरी सॉलिड होता है और विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं एज कंपेयर टू डायमंड। याद रखना डायमंड आपका सॉलिड है, डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट जो है उसमें इलेक्ट्रॉन आपके फ्रीली मूव करते हैं, जिसकी वजह से एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। 3 क्वेश्चन बनते हैं, एक आपका ल्यूब्रिकेंट कौन होता है, वो आपका ग्रेफाइट होता है, कार्बन का एलोट्रोप ग्रेफाइट होता है आपका ल्यूब्रिकेंट, ठीक है। ग्रेफाइट आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, ग्रेफाइट आपका
गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, बल्कि जो डायमंड है वो आपका बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्वेश्चंस घुमा के पूछे जाते हैं, ग्रेफाइट आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, डायमंड आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। दो क्वेश्चन बन गए। तीसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि कार्बन डायरेक्ट पूछा जाता है, कार्बन आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? तो कार्बन आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों कार्बन आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टीज चेक करोगे तो मेटल आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और नॉन मेटल आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। समझ आ रहा है क्या बोल रही हूं मैं? आपके जब मेटल की बात करते हैं तो मेटल आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और नॉन मेटल आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है? तो कार्बन आपका क्या है इसमें? नॉन मेटल। कार्बन क्या आपका? नॉन मेटल। कार्बन आपका नॉन मेटल है, तो कार्बन, अगर कार्बन का पूछा जाता है तो कार्बन आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, पर कार्बन के एलोट्रोप में ग्रेफाइट की बात की जाए तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है? तो ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा नॉन मेटल आपका जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो कार्बन का एलोट्रोप ग्रेफाइट, ठीक है? और दो मैंने मेटल बताया था, मरकरी मेटल आपका लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर में, और ब्रोमीन नॉन मेटल आपका लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर में। यूजेस, डायमंड का यूज ज्वेलरी के लिए किया जाता है, ड्रिल्स के लिए यूज किया जाता है, ग्रेफाइट आपका क्ले के लिए, पेंसिल कार्ड्स के लिए, ल्यूब्रिकेंट्स के लिए, मशीनरी के लिए एंड सम काइंड्स ऑफ बैटरी में, कुछ बैटरीज में भी ग्रेफाइट का यूज होता है। मेन आपने याद रखना है बैटरीज के लिए, आपका ल्यूब्रिकेंट के लिए और आपका पेंसिल लेड्स के लिए। इनमें किसका यूज होता है? ग्रेफाइट का यूज होता है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने मेटल की, कौन सी मेटल का यूज आप किसके लिए करते हो? ज्वेलरी के लिए करते हो। बताओ कौन सी मेटल का यूज आप ज्वेलरी के लिए करते हो? बताया था मैंने, कौन सी मेटल का यूज करते हो ज्वेलरी के लिए? पढ़ा था ना हमने प्रॉपर्टीज की थी। ये देखो, सिल्वर मेटल का यूज करते हैं हम ज्वेलरी के लिए और कॉइन्स वगैरह के लिए, और मेटल में सिल्वर का यूज होता है और नॉन मेटल में आपका डायमंड का यूज होता है, ठीक है? कार्बन हो गया, अब बात करेंगे नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन गैस भी आपकी कलरलेस गैस होती है और ऑडरलेस होती है, ठीक है? डज नॉट अलाउ थिंग टू बर्न इट, स्लो डाउन केमिकल रिएक्शन विच कॉज डीके। यूजेस आपका नाइट्रोजन जो होती है फूड स्टोरेज के लिए होती है, प्रोवाइड अ लो टेम्परेचर फॉर स्टोरेज ऑफ ब्लड, ब्लड की स्टोरेज में टेम्परेचर को लो करती है, और एयरक्राफ्ट ट्रायल्स में यूज होता है। सबसे पहले आप याद रखना, जो आप पैकेट्स मार्केट में खा लेते हो, चिप्स वगैरह के पैकेट, तो उसमें भी ये गैस यूज होती है, ठीक है? क्योंकि वो फूड स्टोरेज के लिए होती है, नाइट्रोजन गैस आपकी फूड स्टोरेज के लिए यूज होती है, ठीक है? नाइट्रोजन हो गया। ऑक्सीजन की बात करें, ये भी एक कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस है। स्पॉट किसमें? बर्निंग के लिए, आग वगैरह जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इट नीड्स फॉर द रिस्पायरेशन, लाइफ स्पॉट सिस्टम, आपको पता है बिना ऑक्सीजन के ह्यूमन जी नहीं सकता, डेथ हो जाती है, ठीक है? ब्रीथिंग के लिए, इन इंडस्ट्री फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग मेटल, मेटल को इंडस्ट्री में मेटल को कट करने के लिए, उनकी वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है? कौन कौन सी की हमने? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन मैंने बता दिया फूड स्टोरेज के लिए होती है, हीलियम आपकी बैलून वगैरह फुलाने के लिए होती है, हाइड्रोजन का बता दिया कलरलेस ऑडरलेस होती है, ऑक्सीजन का बता दिया आपको जब मेटल इंडस्ट्री में मेटल वगैरह को कट करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और हॉस्पिटल में आप ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन की यूज किया जाता है, और हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए। समझ आ गया? नेक्स्ट है आपका सल्फर। सल्फर का कलर आप याद रखना येलो, ब्रिटल सॉलिड होता है, डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। कौन सी नॉन मेटल आपकी वाटर में डिजोल्व नहीं होती है?
तो वो कौन से, आपकी सल्फर। जो सल्फर नॉन मेटल है वो आपकी वॉटर में डिजोल्व नहीं होती है। क्वेश्चन बन गया है कि यहां से जो आपकी सल्फर नॉन मेटल है उसका कलर क्या होता है, येलो होता है। देखो बाकी नॉन मेटल किए हमने, हाइड्रोजन किया, हीलियम किया, नाइट्रोजन किया, ऑक्सीजन किया, ये सारी की सारी आपकी कलरलेस है और ऑर्डरलेस है। सल्फर का कलर कैसा होता है, येलो होता है और ये ब्रिटल सोलिड होती है, ठीक है, ब्रिटल सोलिड होती है। और ये क्या करती है, वॉटर के साथ डिजोल्व नहीं होती है। बर्न्स इन एयर टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर जब आपकी बर्न होती है एयर में, हेलो जी, तो सल्फर जो है आपकी एयर में बर्न होती है तो किस फॉर्म में निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ग्रीन हाउस इफेक्ट का सभी को पता होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट का सभी को पता होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट में जब आपकी सल्फर या नाइट्रोजन गैस ऊपर जाती है तो वो क्या करती है, एयर के साथ रिएक्ट करके आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाती है जो हमारे लिए हार्मफुल होती है, ठीक है। तो सल्फर गैस एयर में जाके बर्न होके आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाती है, इसका कलर येलो होता है और ये हमारी वॉटर के साथ सोल्यूबल नहीं होती है, ठीक है। ये थे इसके फीचर। अब यूजेस क्या है, टू मेक रबर हार्ड फॉर यूज एज टायर। टायर में जो रबर्स ट्यूब रबर्स वगैरह डलती है वो किससे बनी होती है, आपकी सल्फर। सल्फर उसको क्या करता है, टायर्स को हार्ड, जो रबड़ यूज होती है आपकी टायर्स में उसको हार्ड करने की कैपेसिटी रखता है, कौन, सल्फर, ठीक है। जो टायर्स हैं उसमें रबर यूज होते हैं उसकी हार्डनेस को कौन मेंटेन रखता है, सब सल्फर आपका। एज अ फंगिसाइड टू प्रोटेक्ट क्रॉप, ठीक है, क्रॉप को आप इंसेक्ट से बचाने के लिए भी सल्फर का यूज करते हो। अब आपको पता है आप कौन सी गोलियां यूज करते हो, उसमें यूज करते हो ना, वो सल्फर की होती हैं, तो क्रॉप को बचाने के लिए भी आप सल्फर का यूज करते हो। इंपॉर्टेंट है ये नॉन मेटल, इस नॉन मेटल के फीचर भी इंपॉर्टेंट है और इसकी यूजेस भी इंपॉर्टेंट है। हिंदी स्लाइड नहीं है, एक्सप्लेन कर रही हूं वो आप लिख सकते हो, की पॉइंट बना के लिख सकते हो हिंदी में, हिंदी के की पॉइंट बना के लिख सकते हो। जैसे मैंने सल्फर का बोला कि ये वॉटर के साथ, आपके पानी के साथ सल्फर रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है, और येलो कलर होता है, और ये जो होता है आपकी एयर के साथ मिलके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है, और जो आपकी टायर्स, गाड़ियों के टायर हैं उनमें जो रबड़ यूज होती है हार्ड, वो सल्फर की वजह से होती है, और आपके जो क्रॉप वगैरह है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सल्फर का यूज होता है, ठीक है। ब्रोमीन का यूज करें, ब्रोमीन का बताओ। अब मैंने बताया दो लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर पे, मेटल पे आपकी मर्करी होती है और नॉन मेटल पे आपकी क्या होती है, ब्रोमीन होती है। अ रेड ब्राउन लिक्विड विच इज स्लाइटली ट्रांसपेरेंट, इसका कलर कैसा होता है, रेड ब्राउन कलर होता है। अगर किसी ने रिएक्शन की होगी केमिस्ट्री लैब में, अगर रिएक्शन की है किसी ने केमिस्ट्री पे रिएक्शन की है तो समझ आना, वहां पे अगर आपने रिएक्शन की है तो ऐसा रिएक्शन आपने देखी होगी, रेड ब्राउन कलर की पीपीटी जब आती है, जो गैसेस बाहर निकलती है वो ऐसी होती है, क्योंकि आपका ब्रोमीन क्या है, लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर पे, प्रोड्यूस रेड ब्राउन टॉक्सिक फ्यूम्स विद एन अनप्लीजेंट स्मेल, इसकी स्मेल बहुत गंदी होती है, ये ब्रोमीन जो है ना इसकी स्मेल बहुत गंदी होती है। सोल्युबल होता है वॉटर में, सल्फर आपका सोल्युबल नहीं होता है वॉटर में, और ब्रोमीन आपका सोल्युबल होता है वॉटर में, याद रखना ये की पॉइंट। प्रेजेंट इन सी वॉटर, ठीक है, फ्लेम रिटार्डेंट्स डाइस के लिए यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट्स, ये रहने दो, डाइस के लिए याद रखना, डाइस के लिए ब्रोमीन का यूज होता है। दो नॉन मेटल है इंपॉर्टेंट है, इनके फीचर भी इंपॉर्टेंट है और इनकी यूजेस भी इंपॉर्टेंट है, देख लो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। काशी आप कहां थे इतने दिन, आपने मेटल नॉन मेटल दोनों, ये तो गया आपका आज का, हाँ कहां थे आप, चलें आगे, आगे चलें, ठीक है,
अब आ जाओ क्वेश्चंस पे, आप ही कराओगे, अब बताते जाना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो यूज एज अ ल्यूब्रिकेंट. चिल्ला चिल्ला के इस क्वेश्चन का आंसर बोला है मैंने, बताओ. ग्रेफाइट. क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, ग्रेफाइट आपका एज अ ल्यूब्रिकेंट यूज होता है, और ग्रेफाइट आपका नॉन मेटल है, आपका कॉपर का एलोट्रोप है. ठीक है, चलें आगे. व्हाइट फॉस्फोरस ग्लो इन द डार्क ड्यू टू, बताओ. White phosphorus glow in a dark. और कोई? आकाश जी डिसाइड कर लो, बी है या सी है. इसका राइट आंसर है बी, स्लो ऑक्सीडेशन. स्लो ऑक्सीडेशन की वजह से. किसकी वजह से? स्लो ऑक्सीडेशन की वजह से. ठीक है, तुक्का गलत रह गया. अब आपने बताना है, स्टेटमेंट पढ़नी है. पहली स्टेटमेंट दी है आपको, ब्रोमीन इज अ रिएक्टिव नॉन मेटल. हाइड्रोक्लोरिक इज आल्सो कॉल्ड एज अ मेलिटिक एसिड. क्लोरीन इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फोजिन, मस्टर्ड गैस एटसेट्रा. अब आपने स्टेटमेंट चेक करनी है और मुझे बतानी है. कौन सी स्टेटमेंट गलत है, या एक गलत है, एक सही है, या सारी की सारी सही है? बताओ जल्दी. कोई तो स्टेटमेंट पता होगी तीन में से, कोई तो बताओ, कोई तो स्टेटमेंट सही है इसमें. हाँ, ब्रोमीन इज एक्टिव नॉन मेटल. ठीक है, और इससे आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं. अगर ये स्टेटमेंट ठीक है तो इसमें क्वेश्चंस भी बनते हैं कि आपकी कौन सी रिएक्टिव नॉन मेटल होती है, वो आपकी होती है ब्रोमीन. आपकी तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है इसमें, तीनों स्टेटमेंट सही है. ब्रोमीन इज अ रिएक्टिव नॉन मेटल. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड एज मेलिटिक एसिड. एंड क्लोरीन इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फोसिन, मस्टर्ड गैस एटसेट्रा. ये आपकी तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है? सही है. चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. कोरंडम इज एन ओर ऑफ, किसका ओर है? अगर नहीं लिखवाया, नहीं किया हमने, तो अभी पता चल जाएगा. ऑप्शन ऐसे हैं, देख के तो मैंने सभी के ओर करवाए हुए हैं, और आते मैंने क्लास में आज ओर ही करवाए थे. देखो चारों करवाए हैं मैंने. अब मैं एक चीज और है, एक ऐसा है जिसका और मैंने करवाया, उसका दूसरा नाम ये है, एल्यूमिनियम. आकाश जी आप, एक एल्यूमिनियम का, ठीक है, एल्यूमिनियम ही है इसका आंसर. एल्यूमिनियम का सेकंड और कौन सा है? एक तो ये हो गया, दूसरा सेकंड और कौन सा है जो मैंने करवाया था आपको? बताओ.
सरदार जी आपको भी नहीं पता, बॉक्साइट सुना था, और वाला क्या ही बोलूं मैं, है आके कुछ भी करवा लो। सबसे पहले तो एल्युमिनियम का ही करवाया मैंने। बॉक्साइट होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3.XH2O। पेपर में भी सॉरी बोलना मैडम को। कि नेवर इज एन ओर ऑफ। अब इसका और बताओ, कि नेवर इज एन ओर ऑफ। मरकरी, कि नेवर किसका और होता है, मरकरी का। तो ऑप्शन डी आपका क्या है, राइट आंसर है। कि नेवर किसका और है, मरकरी का। सिंबल क्या होता है, Hg। फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला, जिंक सल्फेट। ठीक है, चलें आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ आयरन। आयरन का और क्या होता है, देखो चीटिंग करना कम, खुद से आंसर देना। अच्छा, नॉट एन ओर ऑफ आयरन, इनमें से कौन सा आयरन का ओर नहीं है, नहीं है। इससे आपको आयरन के ओर नाम मिल जाएंगे। एक तो मैंने करवाया है, ठीक है। हाँ, हिमेटाइट तो आपका आयरन का ओर है, ठीक है। इसके अलावा दो ओर है, कौन कौन से हैं, साइडराइट और मैग्नेटाइट और हिमेटाइट। ये तीनों के तीनों किसके ओर है, आयरन के। बचा कौन, क्यूपराइट। क्यूपराइट नहीं है, क्यूपराइट किसका ओर है, करवाया मैंने। क्यूपराइट किसका ओर है, ओ भाई डी क्या लिख रहे हो, मैंने बोला तीन आयरन के तीन ओर है, बी सी डी। ये तीनों के तीनों आयरन के ओर हैं। उन्होंने पूछा है विच इज नॉट एन ओर ऑफ आयरन, तो आयरन का कौन सा ओर नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका क्यूप्रोइड, पर क्यूप्रोइड किसका ओर होता है, क्यूप्रोइड किसका ओर होता है, बताओ, आप ही बताओगे। बताओ क्यूप्रोइड किसका ओर होता है। बताओ जल्दी, नाम से नहीं लग रहा, बता तुम्हें, कॉपर का। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। सल्फेट ओर आर कॉमन फॉर द मेटल। जो सल्फेट ओर है उसमें मेटल कौन कौन सी होती है, बताओ। सल्फाइड ओर में आपके पास मेटल कौन कौन सी होती है, तुक्का लगा दो, तुक्का ही लगा दो। चलो सरदार जी, तुक्का ठीक है, ठीक ही बैठ गया आपका, है आंसर ठीक हो गया। किसका होता है, सिल्वर का, कॉपर का और लेड का। ठीक है, याद रखना तुक्का, अभी लगा है आगे भी याद रखना। और एक तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है सरदार को, है ए लगा दिया। मैं बोल भी रही हूं कि तुक्का ठीक बैठ गया, फिर सी सी लिख रहे हो आगे। भाई जितनी भी वीडियो करवाई है ना काश्ती अभी तक,
वो सारी की सारी सीडीएस के लिए बहुत बेनिफिट है। सारा बेसिक आपके लिए तो सारे के सारे क्वेश्चन बेसिक हैं। जितनी भी वीडियोस करवाई हैं सीडीएस की तैयारी हो जाएगी। मैं बोल रही हूँ क्वेश्चंस भी करवा रही हूँ साथ में, इससे बाहर आना ही नहीं है। टेंथ तक तो आपको सिलेबस आता है सीडीएस वालों को, सारा का सारा तो मैंने बेसिक करवाया है। अगर एडवांस में कुछ पूछा जाता है तो वो तो एनडीए के प्रेस्पेक्टिस से सारा चल रहा है, ठीक है। द केमिकल प्रोसेस इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील फ्रॉम हिमेटाइट और इन्वॉल्व्स, बताओ बताओ। लगाओ तुक्का। इसका आंसर है ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय रिडक्शन, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय रिडक्शन, ठीक है। चले आगे, केमिकल लीचिंग इज यूजफुल इन द कंसंट्रेशन ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल लीचिंग इज यूजफुल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ, लगाओ। आपको और के नाम दिए हैं ये, अच्छा काश का तो आंसर आ गया। आप भी दो सरदार जी, बॉक्साइट। इसका आंसर क्या है? बॉक्साइट, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, बॉक्साइट इज अ राइट आंसर, ठीक है। आंसर टिक लगाते रहा करो साथ साथ में। विच मेटल कैन बी ऑब्टेंड फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस, कौन सी मेटल आपको ऑब्टेंड होती है इलेक्ट्रोलिसिस से? कांट, सॉरी कांट बी ऑब्टेंड फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस। कौन सी मेटल आपको इलेक्ट्रोलिसिस से ऑब्टेंड नहीं होती है? नहीं, अब तेरे पास ऑप्शन बचते हैं ए सी डी, बताओ कौन सा है। एक तो हो गया गलत, सी कौन सा है? क्रोमियम, ठीक है। कौन सी मेटल हम इलेक्ट्रोलिसिस से हमें ऑब्टेन नहीं होती है? वो आपकी है क्रोमियम मेटल। रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर इज डन, रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर इज डन, क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो देखा होगा ये वाला। रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर इज डन, क्यूपलेशन। क्या आंसर है इसका? क्यूपलेशन। सदाजी पढ़ के आए हो या फिर नेट से सर्च कर रहे हो? किस चीज का झूठ बोल रही हूं भाई मैं? किस चीज का झूठ बोला काशी मैंने? बोलो, आपके आंसर को तो मैंने जवाब ही नहीं दिया है। आपने मुझे देखा है कभी सिंपल मैसेज पढ़ते?
हाँ ये भी है, लेट रिप्लाई का ये भी हो सकता है भाई, फास्ट टाइपिंग भी हो सकती है तुम्हारी गूगल पे। तो ये था आपका मेटल एंड नॉन मेटल का। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ मुझे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज ओर नेम्ड गैलिना। गैलिना किसका केमिकल नेम है? गैलिना, गैलिना वर्ड जो है वो किसका केमिकल नेम है, किसका ओर है? गैलिना, भाई जब मैं चैट पढ़ती हूँ ना, मैंने हाँ बोला होगा, मैंने आपके मैसेज, चलो ठीक है मैंने बोल दिया, ठीक है अब कर लें क्वेश्चन, कर लें क्वेश्चन है, बताओ बताओ आकाश जी, गलीना का क्या? हाँ गलीना बताओ किसका और है। बताओ जल्दी, एक का तो आ गया आंसर, दूसरे का बोल तो रही हूं, गेलिना वर्ड लिखा है, गेलिना किसका हो रहा है, ये किसका केमिकल नेम है? सरदार जी आपका आंसर मुझे दिख गया है, मैं सिर्फ काश से पूछ रही हूं, आपका आंसर आ गया है। ऑप्शन तो मैंने दिए ही नहीं है, इसका आंसर क्या है? लेड। क्या आंसर है? लेड, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट एनिमल एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, क्वेश्चन है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, ओ भाई क्वेश्चन बस है, ये ही लास्ट क्वेश्चन था, आप मैं क्वेश्चन खुद दे रही हूं, टाइप नहीं है। क्वेश्चन है मोस्ट अवंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, मोस्ट अवंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, हाइड्रोजन नहीं है, चलो और कोई तुक्का, हाइड्रोजन तो नहीं है, ऑक्सीजन। क्या आंसर है इसका? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एलिमेंट आपकी क्या है, अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट। अच्छा मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, बोलो। ऑक्सीजन तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट हो गया, और मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सी होती है आपकी? एल्यूमिनियम। कौन सी होती है? एल्यूमिनियम, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ोगे नहीं तब तब तो मैं भी बोलती हूँ, नहीं पढ़ोगे तो नहीं निकलेगा, चाहे दो बार दो चाहे जितनी मर्जी बार दो, अगर नहीं पढ़ोगे तो नहीं निकलेगा, अगर पढ़ोगे तो पक्का निकलेगा, है ही नहीं सिलेबस ही क्या है, जितनी वीडियोस मैंने आज तक करवा दी है ना आपको विद क्वेश्चन, उतना भी कर लोगे केमिस्ट्री निकल जाएगी आराम से। ठीक है,
हाँ सरदार से पॉजिटिव हो जाओ। कौन सी मेटल आपको नेचर से फ्री स्टेट में मिलती है? कौन सी मेटल आपको नेचर में फ्री स्टेट में मिलती है? पता है इसका आंसर? तो क्या हुआ, गलत दोगे तभी आगे सही दोगे? बताओ आकाश, इसका आंसर दो मुझे। कौन सी मेटल आपको नेचर में फ्री स्टेट में मिलती है? बताओ। बताओ आकाश जी, लास्ट क्वेश्चन है। ओ भाई मेटल है, वॉटर आपकी मेटल है? हाँ देख ले, पढ़ लो, जितना पढ़ा रही उतना पढ़ लो। कोई वॉटर आपकी मेटल थोड़ी है, वॉटर मेटल है? कौन सी मेटल आपको नेचर में फ्री स्टेट में मिलती है? वो आपकी गोल्ड है। कौन सी मेटल है? गोल्ड मेटल, जो आपको नेचर में फ्री स्टेट में मिलती है। और मोस्ट अवंडेंट एलिमेंट कौन है आपका? ऑक्सीजन। और मोस्ट अवंडेंट मेटल कौन है? एल्यूमिनियम। ये प्लेटिनम क्या लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? प्लेटिनम। सरदार जी प्लेटिनम क्या लिखा है? ये बोल तो दिया मैंने, गोल्ड इसका सही आंसर है। हाँ गोल्ड आपको फ्री स्टेट में मिलती है नेचर में। ठीक है, आज आपका मेटल नॉन मेटल खत्म होता है चैप्टर। कौन कौन से चैप्टर कर लिए हमने अभी तक? अभी आकाश जी देख लेना, अगर नहीं किए हैं कोई चैप्टर छोड़ा है तो उसको कंप्लीट कर लेना। सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। सेकंड आपका हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, थर्ड आपका मैटर हुआ, फोर्थ आपका पॉलीमर हुआ, फिफ्थ आपका मेटल एंड नॉन मेटल हुआ, कुछ नहीं होता, कर जाओगे क्लियर, पढ़ते रहना। पांच चैप्टर हो गए हैं, अब एक इंपॉर्टेंट चैप्टर और बचता है, वो आपका एसिड बेस है। कल बताऊंगी मैं एसिड बेस करवाती हूँ या कोई एलोइस पे चैप्टर करवाती हूँ, पर अभी तक जो पांच चैप्टर करवाए हैं 15 में से आपके साइंस में, अगर आपके 15 क्वेश्चन आ रहे हैं एनडीए में, तो उसमें से आपके 6 क्वेश्चन का मटेरियल तैयार हो गया है, 6-7 क्वेश्चंस का। बात कहां पे अटकती है? आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। कहां पे अटकती है? आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन पे अटकती है। जो आप जितने भी क्वेश्चंस अपने हाथ से निकालोगे उतना आपका चैप्टर कंप्लीट, अच्छे से कंप्लीट होगा। कंटेंट करवाने से कुछ नहीं होता, जब आप क्वेश्चंस करते हो तब आपको पता चलता है कि आपका चैप्टर इतना कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो पांच चैप्टर हो गए हैं, कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस में करो। एसिड बेस बचता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, मिलते हैं कल। ओके बाय।